सिंध में राशन तकसीम के दौरान करप्शन की गई। पीपल्स पार्टी ने इमरजेंसी में सिर्फ माल बनाया। पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी, खुरम शेर जमान, हलीम आदिल शेख के साईं सरकार पर वार। कहा, शॉपिंग मॉल्स खोलने के हुक्म पर चीफ जस्टिस के मशकूर हैं। जब यही बात वजीर आजम ने की तो उन्हें नालायक कहा गया। चांद रात तक तमाम मार्केटों को 24 घंटे तक खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। तो मैं कहता हूं ड्रामेबाजी बंद कीजिए, फौरी तौर पर मार्केट्स को खोलिए, ट्रांसपोर्ट को खोलिए, मस्जिद को लॉकडाउन खोलिए और हम भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह। और ये कोई नई इमरजेंसी नहीं आई है, अभी भी ये ऑडिट का जो हमने डिमांड किया है, जब इसके आएगा तो जैसे राशन बढ़ता हुआ नजर नहीं आता वैसे पैसे खर्च होते हुए भी नजर आएंगे। और हम बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, हम बात करते हैं गरीब को सुकून देने की, गरीब के तहफ्फुज की। इसीलिए हम एहसास प्रोग्राम में अंगूठे के निशान के साथ पैसे बांटते। पीपीपी को खुदा की रहमतें नजर नहीं आती, हमें नजर आती हैं। जिस नालायकी से पीपल्स पार्टी ने सूबे सिंध के अंदर अपनी नालायकी दिखाई है, जो अपना रुतबा इन्होंने पूरे दुनिया के अंदर दिखाया है, मेरे ख्याल से मिसाल कहीं नहीं रहती। जितना नुकसान सूबे सिंध को पीपल्स पार्टी ने ये पिछले 2 महीने में पहुंचा है, मैं समझता हूं कि सदियों के अंदर ये लिखा जाएगा कि ये वक्त वापस अल्लाह ना करे कभी हमें देखना पड़े। इसमें सबसे बड़ी परेशानी जो देखने में आ रही है वो ये आ रही है कि इस छोटे वक्त के अंदर, जो थोड़ा कम आपने वक्त दिया है, इसमें आवाम एक ही टाइम पर सब निकलती है और मार्केट्स के अंदर रश हो जाता है। और हमें इस बात का डर है कि शायद आपकी इस नालायकी की वजह से, सिंध हुकूमत की नालायकी की वजह से शायद कोरोना के केसेस और ज्यादा बढ़ ना जाए। लिहाजा हम डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम ईद के दिन तक, चांद रात तक जो है, मार्केट्स को 24 घंटे खोला जाए।